हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएएचआई 102 मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक विश्व की जो आपकी बुक है उसके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर में हम टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, और इन क्वेश्चनों को जो तैयार किया गया है आपके ओल्ड सिलेबस का जो बुक है उसके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से इग्नू के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से क्वेश्चन के आने की संभावना है, और उन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जा सकता है, इसके ऊपर में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपका एमएचआई 102 के ऊपर में, जिसके अंदर में हमने जितनी भी आपके चैप्टर हैं एमएचआई 102 के अंदर में सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपने उस वीडियो को देखा है, उसके ऊपर वर्क किया है, उसके ऊपर टाइम दिया है, तो आपके 60+ नंबर आराम से बनेंगे, 80 तो आराम से टच करते हो अगर आपने जितना अच्छे से मेहनत किया होगा तो, क्योंकि उस एक वीडियो से आपका पूरा जो समरी है ना पूरे बुक की कि किस चैप्टर के अंदर में कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियर हो जाता है और कम समय में आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हो। आज का जो हमारा रहेगा उसमें हम टॉप 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। आपका जो बुक है आधुनिक विश्व, ये आपके नए सिलेबस जो सेमेस्टर मोड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे, और जो पुराना सिलेबस है और नया सिलेबस के अंदर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास में बुक्स नहीं है या कुछ और बहाना है तो वो पुराने सिलेबस से भी स्टडी कर सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसको अंदर में हम बात करेंगे पुनः जागरण के बारे में, पुनः जागरण और व्यक्ति की अवधारणा के बारे में। इस टॉपिक के अंदर में जो क्वेश्चन बनकर आएगा धर्मनिरपेक्ष पुनः जागरण के रिलेटेड आ जाता है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या रोल रहता है, ठीक है, धर्म रिलीजन का क्या रोल रहता है पुनः जागरण के अंदर में, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ पुनः जागरण के अंदर में, व्यक्ति की अवधारणा किस प्रकार की है पुनः जागरण के अंदर में, कुछ इस तरीके से ना घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मली पुनः जागरण से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको पुनः जागरण को ये एक्सप्लेन करना है कि पुनः जागरण है क्या, बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, उसके रिलेशन को आप एक्सप्लेन करते हुए चले जाओगे और उसी के बेसिस पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पुनः जागरण के बारे में, तो पुनः जागरण की अगर आप बात करो तो पुनः जागरण जो है इटली के अंदर में शुरुआत होती है। पुनः जागरण को हम इंग्लिश के अंदर में रिनेसा बोलते हैं। रिनेसा एक इतावली भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसी का मतलब, रिनेसा का मतलब होता है फिर से जगना। मान के चलो आप किसी अंधकार में फंस गए हो, ठीक है, आप मतलब एक तरह से ना पूरा गोरख धंधा चल रहा है कलक का, ठीक है, अंधकार में फंसे हुए हो, झूठ का बोलबाला है चारों तरफ, ठीक है, मतलब अंधविश्वास का पूरा एकदम जोर शोर है। उस जब अंधविश्वास को तोड़कर आप जब बाहर निकलते हो ना, तो उसको हम, उस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं फिर से जगना, पुनः जागरण, रिनेसा के तौर पे संबोधित किया जाता है। सेम केस यूरोप के अंदर में भी हुआ, जिसके बाद उस पूरी प्रक्रिया को हम पुनः जागरण के तौर पे देखते हैं। किस तरीके से क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 14वीं से लेकर जो आपका 16वीं शताब्दी का अगर आप टाइम पीरियड को देखोगे, ठीक है, 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था यूरोप के अंदर में, तो इस टाइम पीरियड के अंदर में यूरोप के अंदर में सांस्कृतिक हलचल का टाइम पीरियड माना जाता है। सांस्कृतिक हलचल किस प्रकार से, जो साहित्य थे यूरोप के, जो संस्कृति थी यूरोप की, जो साहित्य संस्कृति जो वहाँ की धरोहर थी, ठीक है, वो एक तरह से ख़त्म होने के कगार पे थी, ठीक है, वो अंधविश्वास में फंसती हुई जा रही थी। तो जिसके बाद लोगों ने उन चीज़ों को समझा, वापस से उसको रिवाइव किया, जिसके बाद यहाँ से पुनः जागरण वर्ड का उपयोग किया गया कि फिर से जगह है यहाँ पे, ठीक है, जो उनकी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनकी जो संस्कृति है, वापस से जन जागृत हुई है, जिसके बाद यहाँ पे पुनः जागरण वर्ड का उपयोग किया गया है। पुनः जागरण मतलब होता है पुनः मतलब दोबारा, जागरण मतलब जगना, ठीक है, दोबारा से जन जागृति आना लोगों के अंदर में अंधविश्वास को छोड़कर। अब ये ऐसा क्यों था लोगों के अंदर में अंधविश्वास, किस प्रकार का अंधविश्वास, ठीक है, भारत के अंदर में माना जाता है, जो आज भी बड़े बड़े जो देश हैं वो पश्चिमी देश हैं, वो मानते हैं कि भारत भाई सपेराओं का देश है, ठीक है, जादू टोनों का देश है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर माना जाता है कि चलो यहाँ पर अंधविश्वास एक अलग लेवल पर है, ठीक है, धर्म को लेकर अलग बोलबाला है भारत के अंदर में। पर यूरोप के अंदर में किस प्रकार का अंधविश्वास, किस तरह का पुनः जागरण, वहाँ पे शुरुआत क्यों हुई पुनः जागरण की, ये एक क्वेश्चन बनकर आता है।
क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका आंसर क्या, किस तरीके से यूरोप के अंदर में एक टाइम पीरियड पे जो चर्चवाद है ना, आपका पोप धर्म जो आप ईसाई धर्म कहते हो, ठीक है, चर्चवाद वो अपने चरम पर था, जिसके कारण से जो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत थी अपने हिसाब से वो मूव ऑन हो रही थी। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना नहीं, मतलब उसको अपने हिसाब से ना जिस तरीके से चाहते थे वो उस तरीके में उसको डालते जा रहे थे, ठीक है। जिसके बाद वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो विरासत थी, वहाँ की जो पूरी जो व्यवस्था थी, यहाँ पे पुनः जागरण की शुरुआत की जाती है, जिससे इनका जो झुकाव था ना अपनी संस्कृति की ओर वापस से आता है, अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप पुनर्जागरण जागरण का माना जाता है वो ज्ञानोदय के तौर पर हम देखते, जो हमारा सेकेंड टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, समझ में आता है। पुनः जागरण का अर्थ पता है क्या होता है, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति से लिया जाता है। पुनः जागरण का मतलब सीधा कि आप बौद्धिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जो प्रगति करने वाले हो, विकास करने वाले हो, उससे माना जाता है पुनः जागरण के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। और बर्कहार्ट एक इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि रिनेसा शब्द का वर्णन एक नवीन संस्कृति के उदय के रूप में किया जाता है। जो रिनेसा पुनः जागरण का मतलब क्या होता है कि एक नई संस्कृति का उदय होना ये मानकर चला जाता है। रिनेसा का जो आधार है इतावली में मानवतावाद की खोज के लिए किया जाता है। इतावली भाषा जो है उसके अंदर में रिनेसा वर्ड या पुनः जागरण वर्ड जो था उसमें मानवतावाद, मानव ह्यूमैनिटी होता क्या है, मानवतावाद होता क्या है, मानव का अस्तित्व है क्या, किस तरीके से मानव विकास कर रहा है, उसकी खोज के लिए यहाँ पे माना जाता है, रिनेसा वर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझ में आता है। तो ये इसका इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले पुनः जागरण, जो दूसरा इसके साथ में टॉपिक होगा उसको भी साथ में रिलेशन इसके बताओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से किस किस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा इस पूरे वीडियो के दौरान में, मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी शब्दों में आपको जो टॉपिक है वो आपके माइंड में आ सके, जिससे आप ईजिली उसको लिख सको। अगला टॉपिक हमारा आता है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय को कई नामों से जाना जाता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। ज्ञानोदय के साथ साथ में अगर आपका क्वेश्चन प्रबोधन काल के बारे में आ जाए तो भी इसी का आंसर लिखोगे। ज्ञानोदय ऐसे करके लिखा जाए तो भी यही आंसर लिखोगे। विवेक का युग लिखा है तो भी आपका आंसर यही रहने वाला है। चारों नामों का मतलब एक ही होता है, ज्ञानोदय। अब देखो लोगों के अंदर में जन जागृति आ गई, लोगों का दिमाग खुल गया कि भैया सही क्या है, गलत क्या है, एक नई संस्कृति, एक नई जो सभ्यता था उसके उधर उदय हो जाता है। लोग अपनी संस्कृति और जो धरोहर था उसके बारे में पहचान जाते हैं कि ये मेरी सांस्कृतिक धरोहर है, ये मेरी सभ्यता है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद लोगों का ज्ञान खुलता है, ज्ञान उदय होता है, प्रबोधन होता है, विवेक का युग माना जाता है, जहाँ पे जो लोग था ना, आम जो व्यक्ति थे, उनका झुकाव विज्ञान की ओर होने लगता है कि भैया ये तो साइंस है, ठीक है, साइंस के कारण से आज हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब की खोज की गई है, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलने लगती है। तो एक तरीके से ज्ञान उदय का जो विकास था ना, मतलब शुरुआत था ना, वो साइंस की ओर झुकाव की ओर दिखाया जाता है। मनुष्य के विकास की बात की जाती है कि मनुष्य का विकास किस प्रकार से हो सकता है। ज्ञानोदय की प्रमुख विशेषता प्रगति की अवधारणा को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ज्ञानोदय का मतलब ही है प्रगति करना, विकास करना, प्रगति करना, विकास करने की जो अवधारणा है वो ज्ञानोदय माना जाता है, ठीक है। अब देखो लोगों के अंदर में जैसे पुनः जागरण हुआ, लोग समझ गए कि ये चीज़ें ऐसे हैं, तो मानव का विकास किस प्रकार से होगा, तो तकनीक से विकास होगा, विज्ञान से विकास होगा, शिक्षा से विकास होगा, तो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के लिए यहाँ पे ज्ञानोदय विवेक का उपयोग किया गया, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे मानव किस तरीके से ग्रो करेगा, विकास करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ज्ञानोदय कालीन चिंतक जो थे अतीत के बजाय वर्तमान पर जोर देते थे। जो भी इस समय ज्ञानोदय काल के अंदर में जितने भी इतिहासकार आए, चिंतक आए, उन्होंने ये माना कि अगर आप ज्ञान उदय के बारे में बात करते हो, ज्ञान उदय के टाइम पीरियड के बारे में बात करते हो, तो आपको अपने अतीत को छोड़ना पड़ेगा, जो आपका अतीत है ना उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और वो अतीत के बजाय भविष्य के ऊपर में जोर देते थे, वर्तमान के ऊपर में जोर देते थे, जिसके कारण से आपका जो भविष्य वर्तमान है वो सुधर सकता है। अगर आप आज अपने वर्तमान को अच्छे से जियोगे तो आपका भविष्य भी अच्छा दिखेगा, उज्ज्वल दिखेगा, इसके बारे में बात की जाने लगी। ज्ञान उदय के जो चिंतक थे ज्ञान की जो प्रयोग पर्यवेक्षक पर जोर देते थे, किस तरीके से आप ज्ञान को लेकर प्रयोग कर सकते हो, विज्ञान के प्रयोग, विज्ञान का उपयोग कैसे मानव जीवन के अंदर में हो सकता है, ठीक है, ज्ञान का उपयोग कैसे मानव जीवन के अंदर में हो सकता है, इसके बारे में बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से ज्ञानोदय का उपयोग हुआ। यहाँ पे जो आपका तीसरा टॉपिक आता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब देखो यहाँ पे पहला और दूसरा टॉपिक में ऐसा नहीं है कि दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे,
चांसेस ये रहता है कि आपका पहला और दूसरा टॉपिक में से कोई एक टॉपिक एग्जाम में बनकर आ सकता है, और नंबर ऑफ चांसेस रहते हैं कि दोनों में से कोई ना एक एक ना एक एक आता ही आता है, तीसरा कोई टॉपिक इसके अलावा यहाँ पर नहीं बनकर आता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक टॉपिक रहेगा ही रहेगा। तीसरा टॉपिक यहाँ पे आता है आपका राज्य के उदारवादी अवधारणा या फिर राज्य का सिद्धांत। क्वेश्चन इस तरीके से दो पार्ट में पूछकर पूछा जा सकता है, राज्य की उदारवादी अवधारणा बताइए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उदारवादी ही पूछे, यहाँ पे मार्क्सवादी भी पूछ सकता है, गांधीवादी भी पूछ सकता है, कल्याणवादी, कल्याणकारी राज्य के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, या फिर राज्य के सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है। तो दो अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर राज्य की उदारवादी अवधारणा कभी पूछा जाता है, तो यहाँ पे उदारवादी मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति के अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो ध्यान है ना लोगों के, जो व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर में केंद्रित हो जाती है, स्वतंत्रता के ऊपर में केंद्रित हो जाती है, तो उदारवादी का यही लक्ष्य था कि हम जो मानव है उसके अधिकारों के बारे में बात करेंगे, उनकी समानता के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो समाज के प्रति रहने वाले लोग हैं ना, समाज के अंदर में रहने वाले लोग, उनके प्रति हम उदार की भावना दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको उदारवादी अवधारणा के तौर पर हम देख के चलते हैं। राज्य समाज, ठीक है, जो जो उदारवादी जो राज्य है वो समाज के अंदर में हित के लिए कार्य करते हैं, समाज की क्या अच्छाई हो सकती है, समाज के लिए क्या काम किया जाना चाहिए जिससे समाज का भला हो सके, इसके लिए वो कार्य करते हैं। उदार राज्य का जो आगमन है एक साथ मतलब सात समाज के राजनीतिक संगठन के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से जो सात के जो समाज है, आसपास के जो समाज था, उसके अंदर में किस प्रकार का राजनीतिक संगठन, किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे उदारवादी राज्य की अवधारणा रखी गई थी। मतलब लोगों के प्रति किस प्रकार का झुकाव है, किस तरीके से लोगों के प्रति एक्सट्रैक्शन है, उसके बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पे जो चैप्टर बनकर आता है ना, राज्य का सिद्धांत, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले लोगों की जनजागृति हुई, जहाँ पे लोगों को समझ में आया कि भैया आपको जगना है, पुनः जागरण की शुरुआत हो जाती है। पुनः जागरण के बाद लोगों को ज्ञान उदय होता है, जहाँ पे लोगों को ज्ञान आ जाता है कि भैया ये हमारा सही है, ये गलत है, ये हमारा तकनीक है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्य के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि जिस क्षेत्र पे आप रहते हो उस क्षेत्र को अगर हम सीमाबद्ध तरीके से बांध दें, ठीक है, एक पूरी तरीके से एक बाउंड्री हम बता दें कि ये वाला क्षेत्र का ये बाउंड्री है, तो उस क्षेत्र को हम पर्टिकुलर एक राज्य के तौर पर डिफाइन करते हैं। तो राज्य की अवधारणा बनी कैसे, तो जो व्यक्ति जिस विचारधारा से बिलोंग करता था, तो उस अवधारणा को हम उससे मानकर चलते हैं। कोई व्यक्ति अगर गांधी जी के विचारों को मानकर चलता था कि गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी के हिसाब से ऐसा राज्य बनना चाहिए था, राम राज्य की कल्पना करते थे, ठीक है, तो वहां पे राज्य जो थे सीमा विहीन की बात करते थे गांधी जी, तो वहां पे गांधीवादी अवधारणा कहलाएगा। सेम वहीं पर जब हम बात करते हैं उदारवादी की, तो उदारवादी मतलब क्या, लोगों के लिए किस तरीके से वो कार्य कर सकते थे, ठीक है। जहां पे हम बात करते हैं उदारवादी के अंदर में कि लोगों के अधिकारों की बात की जाती थी, स्वतंत्रता समानता के बारे में बात की जाती थी, ठीक है, लोगों के न्याय के बारे में बात की जाती थी, राज्य के हित के बारे में बात की जाती थी, तो राज्य के उदारवादी अवधारणा कहलाता है। तो यहाँ पे जब राज्य के सिद्धांतों के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पे जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे आपके मार्क्सवादी सिद्धांत हो, उदारवादी सिद्धांत हो, ठीक है, कल्याणकारी नारीवादी सिद्धांत हो, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जिस टॉपिक के बारे में भी आप बात करोगे ना, जैसे नारीवादी सिद्धांत, वहाँ पे नारियों के जो अधिकार हैं, पक्ष हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्गली वहाँ पर प्रेजेंट करता है, जिसके कारण से वो नारीवादी सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय इग्नू के अंदर में आप खास ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा आंसर शीट तो पहली बात मिलता नहीं है, दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, प्रॉपर मैनर से लिखा जाए, ठीक है, कभी भी ना अधूरा पैसेज को नहीं छोड़ा जाता, पैराग्राफ को अधूरा नहीं छोड़ा जाता, प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ को फिनिश किया जाए, ठीक है, एंड ऑफ द जो क्वेश्चन हो ना उसको कंक्लूजन के साथ में ख़त्म किया जाए। जब आप पैराग्राफ को ख़त्म कर रहे हो ना, तो उसके बाद लाइन को स्विच किया जाए, ठीक है, और साथ ही साथ में पैराग्राफ के अंदर में अगर कोई आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो उसको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन ज़रूर किया जाए, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन तैयार होता है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है चेक करने वाले के नज़र में, और अच्छा नंबर वहाँ पर मिलने की संभावना रहती है। अगला टॉपिक हमारा आता है चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 4, जहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में। अब देखो यहाँ पे ना अवधारणा आ गई कि भैया एक राज्य इस प्रकार से होता है, राज्य की जो सीमा है वो इस तरीके से राज्य बनता है, ये अवधारणा आ गई, एक आइडियोलॉजी लोगों के सामने आ गई। अब राष्ट्र होता क्या है, एक राष्ट्र जिस जगह पे आप रहते हो, ठीक है, और उसको जो वो राज्य जो है, राष्ट्र है या राज्य है, वो आपका एक क्षेत्र सीमा से बंधा हुआ है, ठीक है, वो सीमा किसी प्रकार से हो सकता है, समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा, ठीक है, किसी तरीके की भी कोई सीमा हो सकती है, दूसरे पड़ोसी देशों की सीमा,
ठीक है, जब इस तरह का कोई क्षेत्र होता है तो उसको हम राष्ट्र के तौर पे देखते हैं। एक राष्ट्र के अंदर में कई सारे राज्य भी हो सकते हैं, जैसे भारत के अंदर में राज्य हैं तो एक राष्ट्र के अंदर में कई सारे राज्य हो सकते हैं। उस राष्ट्र के प्रति जो आपकी भावना होगी ना, जो आपकी फीलिंग होगी कि आप उस राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की आपकी विचारधारा है, उसको हम यहाँ पर राष्ट्रवाद के तौर पर डिफाइन करते हैं कि ये राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये राष्ट्रवाद आता है। ये जो दोनों टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक नंबर 4 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में बनकर आता है इसका टॉपिक। यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के मतलब समझाइए, डिटेल में बताइए, राष्ट्रवाद होता क्या है ये बताइए। तो आपको इसमें डिटेल में आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करने की जरूरत रहेगी। अगर इसके अंदर में आप एक्सप्लेन करोगे तो ग्लेनर का राष्ट्रवाद का सिद्धांत था उसको आप यहाँ पर बता सकते हो, जोसेफ स्टालिन का यहाँ पे जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद का सिद्धांत तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। साथ ही साथ रेमन करके, जो ऑस्टन रेमन करके थे इतिहासकार, इनका भी राष्ट्र और राष्ट्रवाद का सिद्धांत था, उनको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। राष्ट्र मतलब क्या है, एक क्षेत्र सीमा, और उस राष्ट्र के प्रति जो एक भावना है आपकी कि सर्व सर्वोपरि मेरा देश होगा, मेरा भारत होगा, तो वो उस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आज के समय में अगर मैं मतलब अभी काफ़ी समय से वीडियो बना नहीं पा रहा, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वी आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उसके कारण से हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम वीडियो डेली डाल पाएँ। बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है, हमने पीछे हेल्प के लिए ये बोला था दैनब के ऊपर में, तो जो भी हमारे दैनब का परिवार का मेंबर है अगर वो कैपेबल है हमें हेल्प करने के लिए, तो वो कुछ भी मतलब जितना भी वो कर सकता है उसके समर्थ में, उसके पावर में है, वो डोनेट कर सकता है। नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर, जिससे हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे और हम आगे भी मेहनत कर पाएंगे और अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आ पाएंगे। अब यहाँ पर हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अभी मैं पीछे काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, स्पेशली ट्विटर पे, एक्स पे, जो आज एक्स हो चुका है, उस पर मैंने ये नोट किया कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रबल है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे है, बड़े मतलब एक्सट्रीम लेवल पे राष्ट्रवादी है वो, तो वो अल्टीमेटली एक धर्म या फिर एक समुदाय या फिर एक वर्ग या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का मान लिया जाता है। इस तरीके से मैंने इसको नोट डाउन किया, ठीक है। अगर आप भी अपने आसपास में देखोगे ना, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो नेशनल हो, प्रो नेशनलिज्म आपके अंदर में भरा हुआ है, ठीक है, आप कट्टर मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल के राष्ट्रवाद समर्थक हो आप, तो आपको एक वर्ग का, एक राजनीतिक विशेष पार्टी का आपको मान लिया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जबकि किसी भी व्यक्ति, और ये जरूरी नहीं है कि भारत में आप रहते हो तो भैया भारत के लिए किसी ने बोला तो हमारे राष्ट्रवाद, ऐसा नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए अपने देश के प्रति जो भावनाएं होती हैं उसको राष्ट्रवाद के तौर पे हम यहाँ पे मानकर चलते हैं, ठीक है। इसराइल में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जो भावना है वो राष्ट्रवाद कहलाएगा, फिलिस्तीन में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो उनके देश के लिए जो भावना है वो उनका राष्ट्रवाद कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्र और राष्ट्रवाद आता है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़कर जाना है। जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 13 जून हो गया आपका कल, और 13 जून के आपके एग्ज़ाम के लिए मैं जो ये टॉपिक बता रहा हूँ ना, अगर आप अभी भी बैठ कर पढ़ते हो, मॉर्निंग में अगर आप देख लेते हो, तो 2-4 क्वेश्चन आराम से इसमें से आ जाएगा और इजीली आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो डिटेल में आप इसको गूगल पर भी सर्च करके आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हो, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 के अंदर मैंने 3 अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन उठाए हैं, और ये कई बार टिप्पणी बेस के ऊपर में भी बनकर आ जाते हैं। 3 अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन है एक ही टॉपिक के अंदर में, ठीक है। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण होता क्या है। साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है कि जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया अपना, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल था, साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का, विउपनिवेशीकरण का। वो भारत का जो पूरी प्रक्रिया थी ना, जब ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, तो उसको हम उपनिवेशवाद के तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से उपनिवेश कायम किया ब्रिटेन ने भारत के ऊपर में, ठीक है, सबसे पहली चीज़। जबकि साम्राज्यवाद के अंदर में क्या होता है कि कोई भी देश जो जैसे मान लो भारत के ऊपर में कब्जा किया और अपनी सीमा का जब विस्तार करता है ना, कोई भी देश अपनी जब सीमा का विस्तार करता है तो उसको हम साम्राज्यवाद के तौर पर देखते हैं। आज के करंट टाइम में जो साम्राज्यवाद के 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल निकल कर आते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका चीन का आता है, ठीक है, चीन का, और दूसरा आपका आता है रूस का, ठीक है। रूस का देखोगे, यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा है, वो किस कारण से वॉर हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न है साम्राज्यवाद का। रूस चाहता है कि जो यूक्रेन की जो ज़मीन है उसको हथियाए, ठीक है, उनके जो जो मतलब जो ज़मीन है उसको अपना बताए, ठीक है, वो एक साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा
उदाहरण के तौर पे आज के समय में करंट एरा के अंदर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। चीन भी सेम स्ट्रेटजी अपनाता है, जिसमें दूसरे राज्य दूसरे क्षेत्रों की जो जमीन होती है, भूमि होती है, उसको अपना बताता है। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था रहती है ना, जब हम किसी के सीमा का विस्तार करते हैं, जब अपने राज्य की सीमा का विस्तार करते हैं, और चीन और रूस दोनों की जो नीति यही है अपनी सीमा का विस्तार करने का, जिसके कारण से साम्राज्यवाद के आज के समय सबसे बड़े एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और साम्राज्यवाद कहलाता क्या है, तो मतलब सीमा का विस्तार करना। जब कोई देश सीमा का अपने विस्तार करता है, तो उसको हम साम्राज्यवाद के तौर पे देखते हैं। उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, उप मतलब किसी के ऊपर, निवेश मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अधिकार करना। इन्वेस्टमेंट मतलब वो नहीं पैसा लगाकर शेयर मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट, नहीं भैया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब हो जाता है, निवेश मतलब ये हो जाता है अधिकार करना। जब आप किसी के ऊपर अधिकार करते हो, उसकी सीमा का विस्तार नहीं किया, आपका जो क्षेत्र जितना था उतना ही है, आप 25 गज के घर में रह रहे थे तो 25 गज ही है, उसमें 26 गज नहीं हो गया, पर उस जमीन के ऊपर में, उसके ऊपर में मालिकाना हक आपका आ जाता है, उसके ऊपर आप अधिकार करते हो, अपने हिसाब से रेगुलेट करते हो, अपने हिसाब से उसको चलाते हो, तो उसको हम उपनिवेशवाद के तौर पे देखते हैं। वी उपनिवेशीकरण क्या होता है, इस दोनों का उल्टा, जहाँ पे उपनिवेशवाद का जब विरोध होने लगा, ठीक है, जब लोग इसके विरोध में उतरने लगे, तो हम उसको वी उपनिवेशीकरण के तौर पे देखते हैं। जो राष्ट्रवाद के समर्थक जो लोग थे ना, बहुत बड़े पक्ष के तौर पे जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो वी उपनिवेशीकरण को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाते हैं। और जो भी उपनिवेशीकरण का जो एक दौर, मतलब जो आइडियोलॉजी भी निकल कर आती है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी लोगों के अंदर से ही निकल कर यहाँ पे वी उपनिवेशीकरण देखने के लिए मिल जाता है। वी उपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है कि आप हमें अपने अधिकार से छोड़िए, अपने चुंबल से छोड़िए, हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो वहाँ पर वी उपनिवेशीकरण एक तरह से कहलाता है। ठीक है, समझ में आता है। टॉपिक नंबर 6, जहाँ पर हम बात करते हैं रूस में समाजवादी क्रांति। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूस में जब आप समाजवादी क्रांति के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे रूस के इस ये जो टॉपिक है ना, कई सारे नामों से पूछा जाता है, तो आपको हर एक नाम पता होना चाहिए। रूस की क्रांति, समाजवादी क्रांति, खूनी क्रांति, लाल क्रांति, अगस्त की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, 1917 की क्रांति, ठीक है, विचारधारा की क्रांति, तो इस तरह करके ना कई सारे मतलब नामों से जाना जाता है। ठीक है, कई सारे नामों से जाना जाता है, तो आपको हर एक नाम ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। अब अलग अलग नामों से जाना क्यों जाता है, तो देखो बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत बोल्शेविक के अंदर में हुई थी, जो सोवियत संघ था उसका एक पार्ट था बोल्शेविक, उसके अंदर में हुई, इसके कारण से बोल्शेविक क्रांति। समाजवादी क्रांति, क्योंकि समाजवाद की विचारधारा को लेकर हुई थी, तो समाजवादी क्रांति। विचारधारा की क्रांति, क्योंकि एक विचारधारा, एक नई जो आइडियोलॉजी था उसको लेकर यहाँ पर क्रांति शुरू हुई, इसके कारण से विचारधारा की क्रांति। रूस की क्रांति, क्योंकि रूस के अंदर में भी ये पनपा, रूस बना उसका बाद में, तो वो रूस की क्रांति। ठीक है, अगस्त की क्रांति, अगस्त में हुआ, अक्टूबर की बहुत तेजी से बढ़ा, तो अक्टूबर की क्रांति। खूनी क्रांति या लाल क्रांति, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ, जानमाल की, ग्रह युद्ध जैसा हालत बना, तख्तापलट जैसे हालत बने, इसी कारण से खूनी क्रांति या लाल क्रांति। 1917 की क्रांति, क्योंकि 1917 में हुआ, तो इस तरह करके पूरा मतलब एक व्यवस्था, जो किस तरह से कौन कौन सा नाम है, किस रीजन से, वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना कि समाजवादी क्रांति, देखो 1917 के अंदर में, रूस के अंदर में समाजवादी क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, रूस उस टाइम पे नहीं था, सोवियत संघ का एक मतलब एक तरह का पार्ट था, सोवियत संघ मेनली USSR के तौर पर हम जिसको देखते हैं, जिसके अंदर में क्या होता है कि जैसे ही समाजवादी क्रांति की शुरुआत होती है, तो समाज के अंदर में एक नई विचारधारा का उदय हो जाता है, जो समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार के बारे में बात करता है, समान हक के बारे में बात करता है, इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाने लगता है। ठीक है, जो संपत्ति पे ना एकाधिकार के बारे में नहीं बात करता, सामाजिक चीज़ों के बारे में बात करता है, कि समाज के हर एक चीज़ के ऊपर में सभी व्यक्तियों का बराबर का अधिकार है, इसके बारे में बात किया जाने लगता है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें शुरुआत होती है, और रूस के अंदर में तख्ता पलट किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे समाजवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में यहाँ पे रूस के अंदर में आ जाती है, जहाँ पे किसानों मजदूरों की बात की जाती है, जो पूरी व्यवस्था थी वो किसानों मजदूरों के आगे नतमस्तक थी, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे लाई जाती है। इसके बाद ही कारण के बनता है आगे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का, क्योंकि जो दो विचारधारा, एक की तरफ आपकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद की विचारधारा विकसित हो रही, जो कैपिटलिज्म के तौर पे जानी जाती है, और दूसरी तरफ आपकी समाजवाद की विचारधारा या साम्यवाद की विचारधारा विकसित हुई, जो आपकी दूसरी विचारधारा के तौर पर देखी जाती है। दोनों विचारधारा को जब विस्तार होने लगा, तो जिसके बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तौर पर भी एक रीज़न बनकर आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर टॉपिक नंबर 7, जहाँ पे हम बात करते हैं वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन। आपका अगर क्वेश्चन बनकर आ रहा है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, तो भी आंसर आपका सेम बनेगा, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा,
आज के टाइम पर जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो अमेरिकी, मतलब चाइनीज़ होगा, लेनोवो का है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें चाइनीज़ ही होंगी, 99% कन्फर्म है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में हम एक तरह से गुलाम हैं आज भी, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से आई हुई हैं, और इस मेरे पास है, मैं चाइना तो कभी गया नहीं, ठीक है, फिर भी मैं चाइना का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल का फ़ोन है या जो भी चीज़ें, जैसे भी चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम उस जगह विजिट किए, पर फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं। यूट्यूब अमेरिकन है, जो सॉफ्टवेयर है लैपटॉप के अंदर में डला है वो अमेरिकन है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है ना, एक ग्रह व्यवस्था जैसी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है, मतलब एक ग्रामीण व्यवस्था। ग्रामीण व्यवस्था के अंदर में क्या होता है, गांव क्षेत्र के अंदर में जाओगे ना तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जानता है। गांव के सबसे लास्ट घर में रहने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, उसके खानदान का नाम क्या है, उसकी औकात कितनी है, औकात मतलब कितना खाना बना उसके घर में, कितना नहीं, क्या चीज़ें व्यवस्था है, उसके बारे में ना गांव का जो सबसे पहला व्यक्ति वो बता सकता है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला पहले व्यक्ति के बारे में बता सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को जानता है, ग्रामीण व्यवस्था, ठीक है, जहाँ पे हर एक सुख दुख सभी चीज़ों को हम जानते हैं। तो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के अंदर में जो पूरी विश्व व्यवस्था है ना, वो एक ग्रामीण व्यवस्था के तौर पर देखी जाती है, जहाँ पे इजी टू चेंज होता है, इजी टू परचेज होता है, इजी टू एवरीथिंग, ठीक है। आप इजिली आज के समय में अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये चीज़ परचेज करूँ, पैसे होने चाहिए बस, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। कहीं का भी मैटर नहीं करता कि अमेरिका से आएगा, रूस से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा, वो मैटर नहीं करता, आप इजीली परचेज कर सकते हो, इजीली है। ओपन मार्केट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो यहाँ पे मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली अगर आप बात करो तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के अंदर में विकास हमें देखने के लिए मिलता है, लोगों के अंदर में जो कल्याणकारी की भावना होती है वो विकसित होते हुए हमें देखने के लिए मिलती है। राज्य के जो कॉन्सेप्ट है ना, कल्याणकारी राज्य का, उसको एक बढ़ावा मिलता है, रोजगार मिलता है, और भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर इसके आप इम्पैक्ट के बारे में बात करोगे, बैड इम्पैक्ट क्या पड़ता है किस तरीके से, तो यहाँ पे सांस्कृतिक हो गया, आपका संस्कृति हो गया, ठीक है, आपकी जो धरोहर होगी उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है। आज के समय में देखोगे टिकटॉक, ये सब चीज़ें हैं जो रील वील बनता है, पहले के टाइम पे लोग ना मतलब कैबरा वैबरा डांस वांस देखने के लिए बाहर जाया करते थे, ठीक है, वो भी मतलब सबको अलाउ नहीं होता था, और कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता भी तो उसको बड़ा घिन भावना से देखा जाता था, हीन भावना से, कि बंदा देखो ये तो पैसे उड़ा रहा है, लड़कियों को भी डांस देगा, इस तरह की चीज़ें होती थी। आज के समय में एकदम इजी हो गया, बड़े बड़े घर की जो संस्कारी, एकदम अच्छे अच्छे संस्कारी लोग हैं, मतलब एकदम टॉप क्लास के संस्कारी लोग, बड़े घर के, वो आपको खुलेआम ऐसी मुजरा करके दिखा रहे हैं। आपको ये नहीं है कि एक ना लोअर क्लास की जो मतलब मजबूर लड़की थी, जो पहले डांस किया करती थी जिसके घर चलाने के लिए, उसको आप देखने के लिए जाते थे शौक से, अब वो जरूरी नहीं है। आप जो बड़े घर की जो लड़की है ना, वो ऐसी फ्री में दिखा रही है, आप फ्री में देख सकते हो। तो वो चीज़ें मतलब वो आपकी संस्कृति पे इम्पैक्ट जो पड़ता है ना, वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। संस्कृति पे, समाज पे आपका इम्पैक्ट, जो पश्चिमी विचारधारा को आज हम बहुत बुरी तरह से अपना रहे हैं, वो इम्पैक्ट के तौर पर आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैंने आपको चीज़ें बताई, इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका आता है आठवां जो हमारा टॉपिक है, जहाँ पे हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं के बारे में। देखो आप 20वीं शताब्दी के अंदर में क्या चीज़ें, किस तरह का कंपटीशन का दौर था। 20वीं शताब्दी की आप बात करोगे ना, तो 1991 के अंदर में आपका बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है, ठीक है, 1991 के अंदर में। 1991 के अंदर में ही भारत एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, विश्व के अंदर में एक आर्थिक मंदी जैसी स्थिति थी। साथ ही साथ अगर आप बात करो, USSR सोवियत संघ का विघटन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें थी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मतलब क्या, 1991 के अंदर में जो 20वीं शताब्दी, दूसरी दूसरा जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका खत्म होता है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका खत्म होता है ना, अच्छा WWW होता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका खत्म होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक शीत युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, जहाँ पे कभी भी किसी भी समय युद्ध हो सकता है, रक्त रंजित रहित युद्ध हम जिसे बोलते हैं, कि जहाँ पे बिना खून खराबे के लड़ाई होगा, मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला युद्ध हो सकता है कभी भी किसी भी समय, तो उसको हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर में काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो पूरा टाइम पीरियड था, तो एक तरीके से बोलबाला चल रहा था, हथियारों की होड़ चल रही थी, पावर की होड़ चल रही थी, सब अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण से यहाँ पे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं कॉम्पिटिशन के दौर पर हम 20वीं शताब्दी को देखते हैं। और उसका रिजल्ट, एंड ऑफ द थिंक यहाँ पे क्या निकल कर आता है, एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या निकल के आता है, 1991 के अंदर में जो बर्लिन की दीवार होती है जर्मनी की,
उसको तोड़ दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, जर्मनी का एकीकरण किया कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो यूएसएसआर होता है, सोवियत संघ होता है, उसका विघटन हो जाता है और सोवियत संघ कई टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, अब 1991 के अंदर में ये चीज़ें होती है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तौर पर। उसके अंदर में एक और पार्ट चीज़ आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? तो 1947-47 के अंदर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसके अंदर में कुछ देशों का ये कॉन्सेप्ट लेकर आना होता है कि जो नव निर्मित, जो नव स्वतंत्र देश है, नए नए जो आज़ाद हुए देश हैं उपनिवेशवाद के चुंगल से, जो नए देश छूटे हैं, अगर वो किसी भी गुट का साथ देते हैं, गुट का साथ देने मतलब क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पूरा विश्व था दो गुट में बढ़ चुका था, एक तरफ आपकी पश्चिमी विचारधारा थी, दूसरी तरफ आपकी समाजवादी की विचारधारा थी। अब दो विचारधाराओं के अंदर में बंटने के कारण से जो नए नए देश थे उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो किस विचारधारा का सहयोग करें, किस गुट के साथ में वो जाएं, और उनके मन में ये भी डर था कि अगर मान लो हम इस विचारधारा के साथ जाते हैं तो कहीं हम दोबारा गुलाम ना बन जाएं, हार ना जाएं, युद्ध हार गए तो गुलाम बन जाएंगे, तो ए के साथ में जाएं कि बी के साथ में जाएं, ये इनके मन में बड़ा कन्फ्यूजन था। जिसके बाद यहाँ पे ना गुट निरपेक्ष की शुरुआत की जाती है, जो हमारे संस्थापक देशों में भारत का भी प्रमुख नाम आता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है, जिसको हम नाम भी बोलते हैं, ठीक है, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तौर पर हम इसको जानते हैं। यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य मेंबर कौन कौन से थे, किसने स्थापना करी, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, नहीं पता तो गूगल कीजिए, क्या पता एग्जाम में आ जाए फिर आप क्या लिखोगे, तो पता करके गूगल पे देख के कम से कम कमेंट करके बताओ तो सही इसका आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अगर हम बात करें, टॉपिक नंबर 9 की, तो आधुनिक युद्ध प्रणाली के बारे में बात करते हैं। देखो पहले के टाइम पे जब आप महाभारत रामायण देखा होगा तो आपने युद्ध करते हुए देखा होगा राम जी को, महाभारत के अंदर में कृष्ण जी को, अर्जुन को, इन सबको देखा होगा, तो तीर कमान से और गदा उदा से लड़ रहे थे। आज के समय में ये चीज़ें नहीं है। आज के समय में आपके फ़ोन आया, स्पैम हुआ, ठीक है, आप कंगाल हो गए एक OTP बताते ही, ठीक है, आपके सर्वर को हैक कर लिया गया, सारा डाटा चोरी कर लिया गया, ठीक है, आपको मतलब किसी तरीके से आपके देश में वायरस भेज दिया गया, ठीक है, बीमारी फैला दी गई। कोरोना वायरस भी एक इस तरह का ही हथियार के तौर पे माना जाता है, कई सारे जो रिसर्चर उनका ये मानना है, इतिहासकार उनका ये मानना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है। तो ये क्या है, आधुनिक युद्ध प्रणाली के तौर पर इनको जाना जाता है। पहले के टाइम पर अलग अलग तरह के पुराने हाथी घोड़ा लाठी से लड़ा जाता था, आज के समय में ये नहीं है यार कि अमेरिका पे जाके बम छोड़ना है, बेकार चीज़ें हैं। अमेरिका में बम छोड़ने क्या है, मतलब एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस डालो उसके अंदर में, ठीक है, वहाँ पे किसी धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला कर दो, किसी चीज़ को लेकर वहाँ पे आंदोलन करवा दो, तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पर उनको कमज़ोर करता है। आज के समय में अगर मान लो किसी बहुत बड़ा उथल पुथल करवाना है तो अचानक से न्यूज़ आ जाए कि जो अमेरिका के सर्वर से इतना बड़ा डाटा चोरी हो गया, ठीक है, या फिर परमाणु का ये चोरी हो गया या कुछ और चोरी हो गया, मतलब कुछ भी चीज़, एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल, तुरंत नेक्स्ट डे शेयर मार्केट गिर जाएगा, बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ेगा। तो ये भी क्या है, एक आधुनिक युद्ध प्रणाली के तौर पे देखा जाता है। पहले के टाइम पे जो बम होते थे अलग तरह के, आज के समय हम परमाणु बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम के बारे में बात करते हैं, अलग अलग तरह के मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आयरन ड्रोन, बाकी चीज़ें, तकनीक तो आप देख ही रहे हो क्योंकि युद्ध का टाइम चल रहा है आजकल, बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 10, जहाँ पे हम बात करते हैं जनसंख्या की परिवर्तन। भैया जनसंख्या की परिवर्तन है क्या, तो आसपास का जो आपके घर के आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, तो कोई मर गया, कोई नया बच्चा जन्म लिया, तो किस तरीके से उनके आंकड़ों में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, घट रहा है, रीजंस क्या है बढ़ने घटने के। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं तो नॉर्मल सी बात है बढ़ेगी, ठीक है, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं खराब है तो घटेगी, शिक्षा स्तर बहुत अच्छा है तो बढ़ेगी, शिक्षा स्तर खराब है तो घटेगी, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। कई बार इसका उल्टा भी होता है कि अगर आपके यहाँ पे शिक्षा स्तर बहुत अच्छा है तो लोगों को समझ में आ गया कि भैया अच्छा है तो बच्चे कम पैदा करना है, ठीक है, देर से पैदा करना है, तो उसके कारण से भी घटती है। तो यहाँ पे किस तरीके से क्या इम्पैक्ट पड़ता है जनसंख्या परिवर्तन का, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। टॉपिक नंबर 11, जहाँ पर हम बात करते हैं उपभोक्तावाद के बारे में। उपभोक्तावाद की अगर आप बात करो तो कंज्यूमर किस तरीके से क्या रोल होता है, किस तरीके से सामान खरीदता है, कंज्यूमर्स के क्या अधिकार हैं, भारत के अंदर में किस तरीके से उनकी बात की जाती है। जागो ग्राहक, जागो वाला आपने ऐड देखा होगा DD नेशनल पे, बहुत चलता था और बहुत यूजफुल एड्स हैं, ठीक है, और अगर आप देख रहे हो तो आपका मतलब एक ना आई ओपनर के तौर पर काम करता है कि अगर आप कभी किसी तरह की मुसीबत में फंस जाओ तो किस तरीके से आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। तो उपभोक्तावाद होता क्या है, किस तरीके से उपभोग बात का उपयोग किया जाता है, किस तरीके से क्या टर्म्स हैं, क्या इसके साथ में क्या क्या चीज़ें अधिकार मिलते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा।
टॉपिक नंबर 12 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन के बारे में हम बात की जाते हैं। देखो मुद्रण प्रकाशन ना एक तरह से शैक्षिक संस्थाओं के अंदर में, शिक्षा पद्धति के अंदर में विकास का मार्ग माना जाता है। आज के टाइम पे जो भी नोटबुक आप स्टडी कर रहे हो, बाकी चीज़ स्टडी कर रहे हो, वो मुद्रण और प्रकाशन के कारण से ही है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता, नहीं छपाई का कार्य होता, तो आप कैसे स्टडी करते, कहाँ से पढ़ते, ठीक है, क्या करते, पेन के छाल पे लिखते। अभी लैपटॉप है तो चलो लैपटॉप पर राइटिंग पैड की मदद से मैंने लिख दिया, बट नहीं होता तो क्या करते। तो मुद्रण और प्रकाशन ज्ञान की तकनीक क्रांति के अंदर में, विज्ञान क्रांति के अंदर में बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित माना जाता है। इसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो लास्ट के जो दो टॉपिक है ना, ये मैंने अलग से डाले बाद में, मतलब नॉर्मली मुझे 12 टॉपिक करवाने थे, बट उसके बाद के जो दो टॉपिक थे वो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जिसके कारण से यहाँ पे मैंने ऐड किया। चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 13 फ्रांसीसी क्रांति। देखो फ्रांसीसी क्रांति एक तरह से मजदूर किसानों की क्रांति थी, जहाँ पे अधिकारों की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता समानता के लेकर यहाँ पे शुरुआत की जाती है अधिकारों के बारे में। देखो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण के बाद ज्ञान उदय हो गया, लोगों को समझ में आ गया क्या चीज़ सही है क्या नहीं सही है। उसके बाद राज्य की अवधारणा लोगों के अंदर में आई कि भैया राज्य इस प्रकार से है, राज्य मिला तो राज्य और राष्ट्र की भावना भी यहाँ पर उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की भावना आ गई, भैया राष्ट्र ये होता है राष्ट्र के लिए, ये चीज़ अच्छी बात है वो खराब चीज़ है। उसके बाद लोग जो जिस राज्य के अंदर में रह रहे हैं, तो किसी को बहुत अधिकार है, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, तो अपने अधिकारों की मांग किस प्रकार से शुरू हुई और सबसे पहले फ्रांस के अंदर में हुई, तो जिसके कारण से इसको हम फ्रांसीसी क्रांति के तौर पर देखते हैं और एक परिवर्तन के तौर पर माना जाता है फ्रांस के अंदर में अधिकारों का मांग, ठीक है, जहाँ पे स्वतंत्रता समानता जैसे अधिकारों की मांग की गई। ठीक है अगला जो आपका टॉपिक आता है और आखिरी टॉपिक के तौर पे आप इसको देख सकते हो, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य मतलब क्या होता है, जब लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, किस तरीके से कौन सा नीति बनाया जाए, कौन सी योजना पे कार्य किया जाए जिससे लोगों की भलाई हो सके, तो उसको हम यहाँ पे कल्याणकारी राज्य के तौर पे देखते हैं। ठीक है तो यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे 14 टॉपिक आपको करवाए हैं, जिसमें से टोटल अगर आप देखोगे 14 जो टॉपिक हैं आपके 19 चैप्टर के 14 टॉपिक बनकर आते हैं। कई जगह मैंने एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक साथ डाले हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट को टॉपिक्स हैं। अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा टाइम लगाकर इन टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पर देखकर, बाकी जगह देखकर, गूगल पर देखकर उसको पढ़कर क्लियर करें, जिससे आपका कल अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें से अगर 4 क्वेश्चन आ रहे तो आप इजिली आसानी से कर सको। तो यहाँ पे वीडियो एंड करूँगा, बट आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगी एंड ऑफ द वीडियो कि अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, अगर आप थैंकफुल हैं हमारे प्रति, तो आप हमें इन नंबरों पे कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, और आपका दिया हुआ छोटा छोटा जो हेल्प होगा ना, सपोर्ट होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और हम अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और अच्छी वीडियोज़ बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।